और गा रहे हैं गाने वाले, गाने वाले गा रहे हैं। अब हमसे बात न होई सुनाओ मौत परेजा, जीते रहो। क्या बात है भाई, तुमको किसी की नजर ना लगे। हम लगने नहीं देख, बगल में बैठते हैं बेटे, बगल में। गीत कह रहा है, अब हमसे बात न होई सुन लाओ मोर करे जा, देहले रहले जो हमका मोबाइल आके ले जा है। याद करा याद करा याद करा जब तू कुआर रहलू, याद करा जब तू कुआर रहलू, शादी से पहले देना नहीं है ये। वो लोग जो भी गाते हैं थोड़ा है और क्या, भैया को हृदय से नमन है। एक बहुत अच्छे कलाकार और बहुत शिष्ट व्यक्ति भैया को नमन है। गीत को सुनिएगा दादा, फिल्मी गीत कह रहा है रहलू रहलू, शादी से पहले हमार रहलू। अब पता नहीं भैया, अच्छा क्या बात, 21 मुद्राएं। भैया हमारे कैलाश यादव जी और प्रकाश थापा जी, आप जेके मंदिर से आए हैं और आपने लिखा है क्रांतिमाला जी आपका कानपुर में जन्म होना हम सभी कानपुर की जनता का सौभाग्य है कि आप हमारे कानपुर में जन्मी हैं। हम सभी को ऐसा कीर्तन सुनने को मिलता है आपके माध्यम से, आपकी भावनाओं को प्रणाम कर रही हूँ। और अगर अच्छा लग रहा हो तो ये मेरा सौभाग्य, एक बार तालियों से भैया लोगों का स्वागत आप लोग करें। ये मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कीर्तन का जन्म कानपुर से हुआ है। कानपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ कलाकार ही कलाकार हैं। देखिए नाम नाम बनाना आसान है, लेकिन नाम सीट बनानी आसान है, सीट पर टिके रहना बड़ा मुश्किल। पार्टियां आजकल रोज खुल रही हैं गली कूचे में, दो गाने सीख लिए, एक ढोलक वाला ले लिया, मंडल खुल गया, लेकिन उस जगह टिके रहना सवाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्या, और ये आप सबके आशीर्वाद से, आपको सत्य बताऊं हमारे संदीप भैया सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य। हमारे केएस भैया भी जानते हैं ये म्यूजिक चैनल जो खोले हैं संजय भैया। अब ये कीर्तन इतना आसान नहीं रहा, ये कीर्तन यूएसए अमेरिका तक लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि लोग यूएसए से फोन करके जब कहते हैं कि क्रांतिमाला जी आप धन्य हैं, मैं आपका कीर्तन सुन रहा था, मैंने फोन किया, आपका नंबर ढूंढा। अमेरिका से सऊदी अरब से लोग पुरस्कार गिफ्ट भेज देते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ जीवन में अच्छा किया कानपुर में पैदा होकर, तो ये मेरा सौभाग्य है। खैर दादा, और दादा तो दादा हैं, दादा लोगों के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं। जवाबी अपनी जगह है, लेकिन दादा आपका स्थान स्थान है। और क्या, विधानसभा चल रही है। अब गीत कह रहा रहलू, शादी से पहले हमार रहलू, लेकिन मैंने क्या प्रयोग किया है, क्या
एक बार हनुमान जी के गले में मणियों की माला डाल दी गई। हनुमान जी ने वानर स्वभाव के अनुसार उस माला को उतारा, उलट पुलट कर देखा, जो चाहिए नहीं मिला को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रामा दल के लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। अब जब ये कहा, हनुमान जी सोचने लगे ये क्या कह रहे हैं। लोगों ने कहा हनुमान इतनी कीमती माला इतनी आसानी से तोड़ दी, क्या ढूंढ रहे हैं। हनुमान ने कहा मैं इस माला में अपने राम जानकी को देखना चाहता हूँ, वो नहीं तो मेरे लिए किसी काम की नहीं। लोगों ने कहा अगर इतने बड़े भक्त हो तो बताओ राम जानकी कहाँ है, बताओ। तो देखे हनुमान जी ने कहा, कहा कि मन का पाइन है मन का, जो मन का नहीं है मन का। क्या बात है। और मेरे साथ इन सबका भी बहुत बड़ा हाथ है, ये बात। अगर ये सब हमारे साथी ना हो तो क्रांति माला कुछ भी नहीं। सब बढ़िया, जीती रहो सब, आप बैठे मेरे लाल। इसलिए अपने समूह का भी बहुत बड़ा योगदान होता है आपका नाम होने में। सुनिए, मन का पाइन है मन का, तो मन का नहीं है मन का। हनुमान जी ने किया था कि मन से जोड़ा है मन का, अपने मन से राम के मन को जोड़ रखा है। मन से जोड़ा है मन का, तो तोड़ा मन का मन का है। और हनुमान जी ने कह दिया कि रटता हमेशा यही नाम रहलू। मेरी पंक्ति अच्छी लगेगी आपको, और मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपकी तालियां खुद मिल जाएंगी। सब आप बैठे। हनुमान जी ने कहा रटता हमेशा यही नाम रहलू, हमका इन्हीं से आराम रहलू। और देखना है तो सीने को फाड़ कर कह दिया, देखो सीने में हमरे सीताराम। सीने में हमारे सीताराम रहलो, सीने में हमारे सीताराम रहलो। बोलिए बालाजी सरकार की। सुना भी आपने? सुना सुना गुरु। आदरणीय क्रांति माला जी को, हाँ, तथा उनके नीचे वालों को, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे नीचे वाले। जवाब आया है, फालतू मेहनत कर रहे हैं। और खुद ही क्रांति जी ने कह दिया कि जिस कलाकार से जितना बन पाता है जवाब देता है। तो आपने जो जवाब मेरे गीत का दिया, कोई टिप्पणी नहीं करनी है क्रांति जी ना, बहुत अच्छा है जवाब। एक बहुत बढ़िया शेर पढ़ी थी, कहा था जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चरागों को ना रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आती। क्रांति जी शेर का भी जवाब सुन लीजिए। तू आईने में खुद को जरा खिलखिला के देख, तू आईने में खुद को जरा खिलखिला के देख, तू देख पर आरों की नजर को मिला, तू आईने में खुद को जरा खिलखिला के देख, तू देख पर आरों की नजर को बचा के देख। अरे कल तेरे पड़ोसी के घर में आग लगी थी, जा तू जरा सा अपने घर को पास जाके देख। ये ऐसी कोई बात लाओ, हर बात का जवाब है हम लोगों के पास। बहुत बढ़िया कटपीस आई है, हाँ, जवाब भी बहुत कायदे से हो। आज बहुत मूड खराब है, हाँ। अभी क्रांति जी कह रहे हैं कि कई लोग दादागिरी दादा हो लेकिन दादागिरी चलने नहीं देंगे। दादागिरी चलेगी नहीं, ऐसा विश्वास तो कर है दादागिरी चलेगी बिल्कुल, क्योंकि दादागिरी किसी बुजुर्ग की तब तक चलती है जब तक लड़कियां
दादागिरी चलने दे, और जिस दिन ऐसा कोई काम कर दे दादा की मूछ नीची हो जाए दादागिरी खत्म, उस दिन दादागिरी खत्म। और ये है मंदू वाली बात। चलिए देखिए क्रांति जी, अब हमसे बात ना होई सुन लियाओ मोर करे में ऐसे बजती है ढोलक। मन का पाइन है मन का, जो मन का नहीं है मन का, मन से जोड़ा है मन का, जो जोड़ा मन का मन का। अच्छा जब पहले आप कह रहे हो कि मन का नहीं है मन का, तब फिर कह रहे हो मन को जोड़ा है मन का, तो तोड़ा मन का मन का, इसका मतलब मन का है वो। क्या कहना चाह रही हो? मन का के चक्कर में ऐसे कईयों मन का बनाए दे रही होगी। लेकिन है छटाको भरे भरे, कम से कम एक मन का तो लाओ। क्या बात है? सीने में हमरे, सीने में हमरे सीताराम रहे हो। और ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय भैया श्री श्री राम निषाद चिड़ियाघर चौराहा नवाबगंज, और ये पुरस्कार बेजोड़ ढोलक मास्टर श्री अजय जी के लिए प्रदान किया गया है। जाए बातानियां हो जाए हमारे अजय जी। ये ऊपर वाली जेब में रखना बेटे, हम लोग भी तो देखते रहेंगे। और क्या लबड़े। और हमारे भैया श्री राजकिशोर जी राजा भैया की तरफ से 100 खलासी रैंक कानपुर 101 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री अजय जी के लिए प्रदान किए गए हैं। ये धन्यवाद, क्या बात है। स्माइल प्लीज। आज की जवाबी लोग याद करेंगे, ऐसा मैं दिलाता हूँ। दोनों मंडलों से ऐसा कार्यक्रम दिया जा रहा है। हम बहुत गुस्से में घर से चले। जब हनुमान जी भरी सभा में पहुंचे, मन का तोड़ हालांकि जो मन का नहीं है वो मन का तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। मन का होता तो मन का क्यों तोड़ते हो? इसका मतलब वो मन का नहीं था। विभीषण ने कहा क्यों तोड़ रहे हो इसको? हनुमान जी ने कहा मेरे मन का ही नहीं है। बस क्यों? विभीषण जी ने कहा मन का कैसा होता है? अरे कहा जिसमें मेरे राम नहीं वो मेरे मन का नहीं होता। देखें आप
खुसुर फुसुर होने लगी। ये क्या है? तू देखिए, जब सीना चीर दिया, विभीषण ने कहा अच्छा अगर मन का इन मन मन इन दामों में राम नहीं है तो क्या तुम्हारे अंदर है? हनुमान जी ने कहा है, कहा तो दिखाइए। हनुमान जी ने सीना चीर दिया। बस क्रांति जी का यही सवाल है कि सीने में हमारे सीता राम है। जवाब सुनेगा आदरणीय क्रांति जी, झांकी जो तुमने झांकी अपनी सेहत का ख्याल करो बेटे। सवाल तो गा दिया क्रांति जी, जवाब भी सुनिए। जब सीना छीन दिया, भगवान राम और सीता दोनों सीने में विराजमान, तब झांकी जो सबने झांकी, झांकी जो सबने झांकी, भगवान राम सीता की सीने में, अरे झांकी जो सबने झांकी, वो राम सिया की झांकी। जय हो। और की नहीं है, झांकी जो सबने झांकी, वो राम सिया की झांकी। झांकी हो सबके तन में, ऐसी झांकी हो कैसे? अरे झांकी हो सबके तन में, जो अपना अंतर झांको, ये बात, अपने अपना अंतर झांको तो राम सीता की झांकी आपको भी अपने अंदर मिलेगी। भाव ये है, अरे झांकी जो सबने झांकी, वो राम सिया की झांकी। और झांकी हो सबने, हाँ झांकी हो सबके तन में, जो अपना अंतर झांकी हो, सेवा में रत, सेवा में रत अभी राम रह लू, सेवा में रत अभी राम रह लू, जिनके ऋणी श्री राम रह और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में कहा है, सुन सुत तो ही पूर्ण मैं नहीं। क्या बात, तुमसे मैं पूर्ण नहीं हो सकता, स्वयं भगवान श्री राम ने स्वीकार किया। किसने कहा? अरे सेवा में रत अभी राम रह लू, जिनके ऋणी स्वयं राम रह के ऋणी स्वयं राम रहे ये है। दादागिरी चली कि नहीं चली? आए?